पीडीएस चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शहरवासियों के द्वारा अवैध चावल परिवहन सप्लाई को पकड़ा गया है। मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, चावल के इस कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। दुर्ग भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वैकुंठ धाम में शहरवासियों ने एक ऑटो ड्राइवर को सरकारी चावल की तस्करी करते हुए पकड़ा है। ऑटो में 22 कट्टा चावल लोड था। ऑटो चालक मनीष कुमार साव ने बताया कि वो सूरज साव के कहने पर इस चावल को जेवरा सिरसा स्थित गायत्री राइस मिल में बेचने जा रहा था। दाल वाल है साला, दाल है, गोटी है, कंकड़ पत्थर है पूरा नहीं, दूसरा बोरा देखो ना ये झाड़न। इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश छात्र पालक संघ का प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने बताया, पालकों की शिकायत के आधार पर जो सरकारी राशन दुकानों द्वारा वितरण किए जाने वाले चावल पकड़ाया है, उसे शहरवासियों के विरोध के बाद ऑटो में भरे चावल की 22 कट्टा सहित स्थानीय वैशाली नगर थाना क्षेत्र ले जाया गया, जहाँ चावल ले जाने वाले युवक का बयान खाद्य विभाग के अधिकारी ने लिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने चावल की जांच का सैंपल निकाला। नजरुल खान ने भी संभाग आयुक्त से जांच कराए जाने को लेकर सैंपल मांगा है। इस मामले में वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने इस मामले को किनारा करते हुए लोगों के विरोध को देखते हुए टीआई ने खाद्य विभाग को फोन कर चावल की जांच के लिए बुलाया। बता दें कि चावल से लदे ऑटो चालक ने राइस मिल में बेचे जाने का खाद्य विभाग ने अधिकारियों के सामने लिखित बयान दिया, जिसमें वाहन चालक ने बताया कि मैं चावल लेकर जाता हूं और ऐसे और भी 4 गाड़ियां हैं जो तस्करी के चावल बड़े राइस मिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आकलन कर सकते हैं कि दिन भर में गरीबों का चावल तस्करी कर तस्कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारी और नजरुल खान ने प्रतिक्रिया दी। किस तरह से देखते हैं, क्या कार्रवाई की? हमको फोन के माध्यम से शिकायत मिली, वैशाली नगर थाने में पीडीएस से चावल पकड़ा गया है, तो उस आधार पर हम मौके पर उपस्थित हुए पुलिस इंस्पेक्टर और क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ के देखे कि बजाज ऑटो नंबर CG07CS4398 में 22 कट्टा प्लास्टिक बोरे में बंद चावल को पकड़ के यहाँ पुलिस को सुपुर्द दिया गया, तो उस संबंध में जांच की गई, क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल भी लिया गया है। अब सैंपल का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी के आधार पर बोलना मुश्किल है कि उसमें कुछ दाल के भी दाने हैं, चावल भी कुछ दाने हैं, तो उस हिसाब से बोलना थोड़ा मुश्किल है। चावल तो है ही, लेकिन वो पीडीएस का कि नहीं वो रिपोर्ट के बाद ही अपन उसमें बता पाएंगे, क्योंकि सैंपल ड्राइवर के बताया कि सूरज साव विंदानगर के पास से सूरज साव का चावल है, जो विंदानगर पास से वो अपने गाड़ी में लोड करके इसको आगे ले जा रहा था। ऐसा बोल रहा था कि बीच में 2 से 3 ट्रिप ले जाता है, ड्राइवर ने अपने कथा ने बताया। अब वो सैंपल का जब जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही बोल सकेंगे, ऐसे आंखों से देख के बताना बहुत मुश्किल है उसको। अब उसकी जानकारी तो ऑफिस से मिल पाएगी क्या? मैं भी अभी 3-4 साल से तो नहीं हूँ, अभी अभी से आया हूँ कुछ समय पहले। और क्या सामने आया? अभी तक आपने सुना होगा शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया। अभी हमारे यहाँ जो है सरकारी चावल की, जो गरीब जनता के लिए चावल जो बांटा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं के तहत, जो इनको चावल भेजा जाता है, उसकी कालाबाजारी पिछले 5 सालों से धड़ल्ले से चल रही है। मतलब गरीबों के राशन पे डाका डाला जा रहा है और ये फूड विभाग के संरक्षण में किया जा रहा है। इसके पहले भी कई थानों में ऐसी गाड़ियां पकड़ाई हैं, ये आप देखिए इस गाड़ी को पकड़ा गया इस तरीके से। दिन भर में 15 से 20 गाड़ियां जो है वो परिवहन की जाती हैं इस तरीके से सरकारी चावल की। ये बयान जो है वो गाड़ी का ड्राइवर जो है वो खुद दिया है, थाने में भी दिया है, फूड वालों के पास भी दिया है। तो ये कालाबाजारी बंद होगी कि फूड विभाग के संरक्षण में इस तरीके से गरीबों के चावल की कालाबाजारी होते रहेगी, उनके अधिकारों का हनन होते रहेगा। तो इसमें मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि प्रशासन इस पे संज्ञान ले, इस कालाबाजारी को बंद करे और उसमें जो भी अधिकारी और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर में राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है।
ये इनकी आप इनकी मानसिक स्थिति को समझिए कि ये किस तरीके से गरीबों के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि कोई भी सरकार इस तरीके से कालाबाजारी तो नहीं करवाएगी। तो ये जो लोग करवा रहे हैं वो शासन प्रशासन की छवि को आम जनता के बीच में खराब करने के लिए इस तरीके का जो है कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य पर रोक रखना चाहिए। और बीजेपी शासन को भी, राज्य शासन को, जिला प्रशासन को इस पर कठोर और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, वरना ये मामला दबेगा नहीं। अभी तो कॉपरेटिवों में दो दो तीन तीन किलो चावल क्या बोलते हैं कम देने की शिकायत आ रही थी, फिर शिकायत आई कि 100-100, 200-200 कार्ड जो है कॉपरेटिव वाले जो है फर्जी बना के रखे हुए हैं, और अब इस तरीके से कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले इसके पहले भी दो बार स्मृति नगर थाने में भी, वैशाली नगर थाने में भी इस तरीके के चावल को क्या पकड़ा गया था, लेकिन फूड विभाग की मिली भगत से उस चावल को नॉर्मल चावल घोषित कर दिया गया, पीडीएफ का चावल नहीं घोषित किया गया। तो मैं इस बार आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से यह उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर में राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।